सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने सोवा में फिजी की पार्लियामेंट से किया खिताब। दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का हुआ जिक्र। कहा मुश्किल वक्त में ग्लोबल साउथ की ताकतवर आवाज़ बना भारत। फिजी का आला तरीन शहरी एजाज मिलने पर खुशी का इजहार। मालियाती बिल पर आज लोकसभा में होगी बहस। इख्तिसासी बिल कल हुआ मंजूर, जबकि राज्यसभा में मुख्तलिफ वजारतों के कामकाज पर बहस की तजवीज। पहली बिम्सटेक बिजनेस छोटी कॉन्फ्रेंस नई दिल्ली में होगी शुरू। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे इफ्तिताह। कॉमर्स और सिनत के वजीर पीयूष गोयल भी करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के दो रोजा दौरे पर, तरक्याती कामों का लेंगे जायजा। बांग्लादेश में सदर की जानिब से पार्लियामेंट को तहलील करने के बाद उबूरी हुकूमत की तश्कील की कोशिशें तेज। मौजूदा सूरत हाल पर भारत की गहरी नजर। अक्वामे मुत्तहदा ने की अमन की अपील। खेलों में भारतीय हॉकी टीम फाइनल में पहुंचने के इरादे से आज पेरिस ओलंपिक्स में होगी दाखिल। सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा मुकाबला। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी आज मैदान में उतरेंगे, क्वालिफिकेशन में लेंगे हिस्सा। आदाब नाजरीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। सदर द्रौपदी मुर्मू फिजी के दौरे पर हैं, जहां फिजी के पार्लियामेंट में उन्होंने खिताब किया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने अपने खिताब में दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात का जिक्र किया। उन्होंने इस मुश्किल वक्त में भारत को ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज करार दिया। I would like to express my deep appreciation for the strong democratic ethos in Fiji. Each one of you has a very solemn responsibility for serving the people of this beautiful country. Despite the vast difference in our size, both our countries have much in common, including our vibrant democracies. Almost 10 years ago, speaking in this same hall, Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, had underlined some basic values that unite India and Fiji. These include our democracy, the diversity of our societies, our creed that all human beings are equal, and our commitment to the liberty, dignity, and rights of every individual. These shared values are eternal and shall continue to guide us ahead. और सदर द्रौपदी मुर्मू को फिजी के आला तरीन शहरी एजाज दी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से नवाजा गया है। फिजी में सदर विलियम काटेरे ने स्टेट हाउस से नवाजा। सदर द्रौपदी मुर्मू ने आला तरीन एजाज मिलने पर अपनी खुशी का इजहार किया। सदर द्रौपदी मुर्मू को जमहूरिया फिजी के फौजी दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। और सदर द्रौपदी मुर्मू का फिजी के वजीर आजम की मौजूदगी में रिवायती फिजी अंदाज में इस्तकबाल किया गया। सदर ममलिकत ने इस्तकबालिया तकरीब पर सबका शुक्रिया अदा किया और अपनी रिवायत और वरसे के तहफ्फुज़ पर फिजी के बाशिंदों की तारीफ की।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। माली बिल 2024 को आज लोकसभा में बहस और पास करने के लिए पेश किया जाएगा। इससे कबल कल ही लोकसभा में इख्तिसासी यानी एप्रोप्रिएशन बिल मंजूर कर लिया गया है। इसके साथ ही लोकसभा में कानून साजी के कामों के साथ साथ वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत के कामकाज पर आज राज्यसभा में बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही ऐवान बाला में कोऑपरेटिव की वजारत के कामकाज पर बहस भी शुरू होगी। इसके साथ राज्यसभा में कानून साजी के मुख्तलिफ कामों के साथ साथ वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराओं के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उनकी वजारत मुतबादल ईंधन को फरोग देने, नेस पेट्रोल और डीजल के इस्तेमाल को कम करने के लिए मुसलसल काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुल्क में एथनॉल और मिथनॉल फ्यूल पंप खुल जाएंगे। इसका प्रदूषण जीरो है। जो गन्ने के जूस से, मोलाइसेस से, ब्रोकन राइस से और मक्के से जो इथेनॉल बनता है वो 100% इथेनॉल पे चलती है। और इसकी विशेषता ये है कि पेट्रोल की तुलना में अगर एवरेज की तुलना करें तो इसका रेट 25 रुपये लीटर रहता है पेट्रोल का। अब इसके बाद टोयोटो, सुजुकी और टाटा ये सब फ्लेक्स इंजन ला रहे हैं। बजाज, टीवीएस और हीरो इन्होंने फ्लेक्स इंजन की स्कूटर और मोटरसाइकिल लाई है। हमारा इम्पोर्ट 16 लाख करोड़ का है। प्रदूषण इतना हो रहा है, ये करने से प्रदूषण खत्म हो जाएगा, पैसे बचेंगे और विशेष रूप से किसानों को इसका फायदा होगा। औरंगाबाद में अभी आपने सुना होगा 5 दिन पहले कि टोयोटो कंपनी ने ये जो इस प्रकार की फैक्ट्री का ये सेंटर औरंगाबाद को चुना है और 20,000 करोड़ की वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बिम्स्टेक का पहला कारोबारी सरबराही इजलास आज नई दिल्ली में शुरू होगा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर इस कॉन्फ्रेंस का अफ्तिता करेंगे। मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल और दीगर कायदीन भी इस समिट में शिरकत करेंगे। कारोबारी सरबराही इजलास के पहले एडिशन का मकसद कसीर शुबा जाती तकनीकी और इकतसादी ताउन के लिए बिम्स्टेक के रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत तजारती और सरमाया काराना ताल्लुकात के जरिए वसी तर इलाकाई ताउन को फरोग देना है। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज से अयोध्या के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद योगी आदित्यनाथ का अयोध्या का ये पहला दौरा है। अयोध्या इज्तमाई इस्मत दरी केस के हवाले से भी योगी का दौरा कई लिहाज से अहम होने वाला है। योगी आदित्यनाथ कमिश्नर ऑडिटोरियम में तरक्याती कामों में और अमन अमान का जायजा लेने के लिए अफसरान और अवामी नुमाइंदों के साथ मीटिंग करेंगे। वो जारी तरक्याती कामों का जाए वक़ू पर मुआयना भी करेंगे। वज़ीर आला सर्किट हाउस में पार्टी अहदेदारों से मीटिंग भी करेंगे। बीजेपी के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पीर को अयोध्या नाबालिग किस्मत दरी मामले में पार्टी की आला तरीन क्यादत को अपनी रिपोर्ट पेश की है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के चेयरमैन बीजेपी MP बापूराम निषाद ने कहा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का नार्को और DNA टेस्ट का मुतालबा काबिल मजम्मत है। DD न्यूज़ से खसूसी बातचीत में बाबूराम निषाद ने कहा है कि UP हुकूमत मुजरिम को सजा देगी। अयोध्या में हुए बच्ची के दुष्कर्म के बाद बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अयोध्या पहुंची। हमारे साथ बाबूराम निषाद जी हैं जो कि राज्यसभा सांसद हैं और उन्होंने इस कमेटी का नेतृत्व किया। सर, क्या पाया अयोध्या में, कमियां क्या रह गई? अयोध्या में जाकर उस गांव पे जो गए तो गांव में उस बेटी की माँ से मिले और जब माँ से मिले तो उनका हाल जाना, हाल बुरे थे। ये घटना तो एक सामने आ गई लेकिन वो दुराचारी ऐसी तमाम घटनाएं घटित कर चुका है और सभी घटनाओं को उसने अपने बाहुबल और धनबल के आधार पर छिपाता रहा। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उस पार्टी के उनके वरिष्ठ नेता चाचा शिवपाल सिंह जी एक DNA की जांच की मांग कर रहे हैं, एक नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। उस मुहित खान को बचाना, DNA और नार्को टेस्ट की बात करना, मैं कहता हूं कि ऐसी घृणित राजनीति, ऐसी गंदी राजनीति नहीं होनी चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई है, लोकल पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाया गया है। निश्चित रूप से लोकल पुलिस की भूमिका ठीक नहीं थी, उस पर सरकार ने कदम उठाया, तत्काल उस पर कार्रवाई हुई है, अभी जांच चल रही है जैसा कि मुझे पता चला है, और सरकार जो जो इस दायरे में आएंगे उन पर कार्रवाई आगे करेगी। ये हमने स्वतः संज्ञान लिया है कि बहुत ही असहाय स्थिति में है वो महिला, वो परिवार, क्योंकि उस परिवार में कोई पुरुष नहीं है, तीन बेटियां, एक छोटा सा बेटा और माँ, कमाने खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमने स्वयं स्वतः कहा है कि हम योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलकर आग्रह करेंगे कि प्रथम दृष्टया उन्होंने 5 लाख की सहायता पहुंचा दी है, लेकिन और उसको सहायता पहुंचा दी जाए तो अच्छा हो। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद जी, जिनका कहना है कि पीड़ित बच्चे की डीएनए और बात की जाए नार्को टेस्ट की, जो बात समाजवादी पार्टी कर रही है बेहद ही निंदनीय है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज दिल्ली। और वाराणसी के चौक थाना इलाके के खवा गली में दो मुनहदिम मकानों के मलबे तले कांस्टेबल समेत 8 अफराद के दब जाने के वाकये ने इलाके में हलचल मचा दी है। एनडीआरएफ की टीम ने फौरी तौर पर 3 लोगों को बचाया और उन्हें बाहिफाजत बाहर निकाला, जबकि शदीद जख्मी कांस्टेबल को मकान के मलबे से निकाल कर इलाज के लिए कबीर चौराहे के डिविजनल अस्पताल में दाखिल कराया गया। अब तक मजमूई तौर पर 5 अफराद को मलबे से निकाल लिया गया है। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय फिजाइया दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत आज से शुरू होने वाली कौमी फिजाई मश्क तरंग शक्ति की मेजबानी करने जा रहा है। इस मश्क में 30 ममालिक हिस्सा लेंगे, जिसमें 10 ममालिक अपने तैयारों के साथ हिस्सा लेंगे। इन 10 ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, स्पेन, मुत्तहदा अरब अमीरात, बरतानिया, अमरीका और सिंगापुर शामिल हैं। फ्रांसीसी फिजाई और खलाई फोर्स भी तरंग शक्ति मश्क में हिस्सा लेगी। फ्रांसीसी दस्ते में फिजाइया के 160 अहलकार शामिल होंगे, जिनमें 3 राफेल लड़ाका तैयारे, 1 मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट तैयारा और 1 A400M शामिल हैं। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साबिक डीजी दिलबाग सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। 5 अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटा और तब से लेकर अब तक 5 साल यानी कि आधा दशक क्या कुछ बदला है कश्मीर में और नया कश्मीर की क्या है दशा और दिशा, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है दिलबाग सिंह जी, पूर्व महानिदेशक जम्मू कश्मीर पुलिस। नया कश्मीर दरअसल कितना नया है अब? देखिए, 5 साल की तुलना अगर 75 साल के पुराने जम्मू कश्मीर के साथ करें तो मुझे लगता है कि 5 साल जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में इनका एक नुमाया स्थान है, नुमाया जगह है, नुमाया रोल है, और ये बिल्कुल हटके हैं। ये नए कश्मीर की तस्वीर की मैं समझता हूँ कि एक आगाज़ का जो फेज है उसके कहीं आगे निकल चुके हैं। अब इस वक्त वो जम्मू कश्मीर जिसने इतना लंबा ब्लड बाथ देखा, जहाँ पर हजारों की तादाद में नौजवान बच्चों की जाने जाया हुई, परिवारों का बहुत बड़े नुकसान हुए, सरकार की प्रॉपर्टीज़ को जगह जगह पर टेररिस्ट ने पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर तबाह किया, और जहाँ तक कि आम जिंदगी जम्मू कश्मीर में रहने वाले की पूरी तरह धर्म भ्रम करके रख दी थी, और वो चाहते नहीं थे कि किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंटल एक्टिविटी जहाँ पर हो, कोई एजुकेशनल कार्रवाई हो, बच्चों को कोई पॉजिटिव रास्ता मिले ताकि बच्चे अपने फ्यूचर को, कैरियर को बना सकें, लोग चैन से अमन से घर पर बैठ सकें, उस दौर को छोड़ करके आज उस दौर में शामिल हुए हैं जहाँ वो सब चीज़ें जो पिछले लंबे अरसे तक दहशतगर्दी की बदौलत जम्मू कश्मीर के लोगों को सफरन से, पीड़ा से गुजार रही थी, वो दिन पीछे गए हैं। बहुत हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं कि लोगों को अमन की ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी, नॉर्मल कारोबार उसको करने का मौका दें। अनुच्छेद 370 का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जब जहनी तौर पे आप ये मानना शुरू हो जाएं कि मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है, तो अब हम
जेलम से उठकर भारत सरकार का जो हीलिंग टच है वो हीलिंग टच वहां तक जा रहा है जहां जिनके लिए वो हीलिंग टच जेलम से उठ के गंगा तक का अगर हम अपने आप को जोड़ सकते हैं नाता, हम बड़े मुल्क के वसी मुल्क के हम हिस्सा हैं, हमें ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमें फ़ख्र करना चाहिए इस पर। दरिया अगर समुंदर में शामिल हो जाता है तो उसकी हैसियत कम नहीं होती, उसकी हैसियत बड़ी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि वो एहसास लोगों के बीच में पनप रहा है, पैदा हुआ है, लोग समझते हैं कि उनकी हैसियत पहले से बड़ी है। और मैं समझता हूँ कि अब ज़रूरत है जो रास्ता अमन और तरक्की का आगे बढ़ रहा है इसको और स्पीड दी जाए, इसका वॉल्यूम इसका दायरा और वसी किया जाए, नौजवान को और अच्छे से एंगेज किया जाए ताकि वो बाकी रास्ते जो नेगेटिविटी की साइड पे जाते हैं उनको छोड़ करके पॉजिटिविटी की राह पर गामजन रहे, पॉजिटिविटी की राह पर चले। बहुत हद तक यूथ को एंगेज करने में अलग अलग खितों में कामयाबी मिली है। टूरिज्म से रिलेटेड जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश देंगे उतना ही ज़्यादा अलग अलग लेवल्स के ऊपर लोग बेनिफिशरी उसके होंगे। टूरिज्म में बहुत बड़ा बढ़ावा और रोज़गार में बढ़ोतरी, अलगाववाद का खात्मा और टेररिज्म का पूरी तरह से खात्मा, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद नई कश्मीर की कहानी बहुत बेहतरीन है। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं सकल भट्ट, डीडी न्यूज़ के लिए। और अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रियों का एक और जत्था सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से बालतर और पहलगाम के रास्तों के लिए रवाना हुआ। सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से तीर्थयात्रियों का कहना था कि सफ़र के दौरान सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं और खाने से लेकर रिहाइश तक के मुकम्मल इंतजाम हैं। NDRF और सिक्योरिटी फोर्सेज को भी तैनात किया गया है। मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर के चिड़ियाघर में शेरों के कबीले में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सफेद शेरनी मीरा ने इतवार की रात ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क में 3 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों की पैदाइश पर चिड़ियाघर और अहले इलाकों में जश्न का माहौल है। रॉयल बंगाल टाइगर के ये शरारती नटखट छोटे बच्चे सबको भा रहे हैं। ये ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क का मंजर है जहां इतवार की रात इन बच्चों की पैदाइश हुई थी। सफेद शेरनी मीरा ने 3 बच्चों को जन्म दिया है जिनमें से 2 पीले और 1 सफेद है। बच्चों की पैदाइश के हवाले से चिड़ियाघर इंतजामिया में खुशी का माहौल है। ग्वालियर चिड़ियाघर में शेरों की कुल तादाद अब 12 हो गई है जिनमें से 5 सफेद और 7 आम रॉयल बंगाल टाइगर हैं। आज हमारे ग्वालियर शहर में 3 नए सांपों का जन्म हुआ है तो ये हमारे ग्वालियर शहर के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बच्चों के लिए तो बहुत उत्साह की चीज़ है क्योंकि आज हम ही लोग जब इनको खेलते देख रहे हैं तो बड़ा मन खुश हो रहा है। इससे कबल शेरनी दुर्गा ने भी ग्वालियर के गांधी जूलॉजिकल पार्क में 3 बच्चों को जन्म दिया था। इन बच्चों की अलग थलग रहने की मुद्दत खत्म होने के बाद उन्हें एक तकरीब के साथ खुले इंक्लोजर में ले जाया गया। अब इन बच्चों को हर रोज सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले इंक्लोजर में छोड़ा जाएगा। इन नन्हे नन्हे बच्चों का नाम भी आज रखा गया। ये नाम लोगों की तजवीज करदा नामों की बुनियाद पर लॉटरी सिस्टम के जरिए रखा गया है। जो मादा टाइगर है जिसका नाम दुर्गा है उसने 3 सांपों को जन्म दिया था जिसमें 1 सफ़ेद 2 पीले, उनको आज खुले में छोड़ा गया है और जनता द्वारा हम लोगों द्वारा उनका नामकरण भी किया गया है। ग्वालियर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान ने भी इस मौके को खास करार दिया है। बच्चों की पैदाइश से ग्वालियर के मकामी बाशिंदों में भी खुशी और बेहद जोश का माहौल है। शहर के मकीनों ने गांधी जूलॉजिकल पार्क को शहर के लिए अहम करार देते हुए लोगों से चिड़ियाघर का रुख करने की अपील भी की। हमारे यहाँ खासकर ग्वालियर में जू में लगातार जो टाइगर की संख्या बढ़ती आ रही है, आज हमारे पास कुल संख्या 12 पहुँच गई है। 3 जो शावक आज सबके सामने लाए गए हैं, इनका जन्म करीब 1 महीने पहले हुआ था और आप देख रहे हैं कि सभी स्वस्थ हैं और खेल कूद कर रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। इसके अलावा कल रात में भी 3 शावकों का जन्म हुआ है। नामकरण का भी पता चला कि ऐसा ऐसा इनका नामकरण का हो रहा है तो हमने भी कुछ सोचा कि अमर अकबर एंथनी ऐसा नाम रखें और काफ़ी सारे इसमें नाम भी लिखे हुए हैं और अच्छा लग रहा है कि आए लोग बात देखें और पता चला है कि ग्वालियर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। पहली बार आई हूँ यहाँ पर, मेरे को बयान बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पर हो रहा है तो मैं पहली बार देखने आई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी मतलब सिटी में ऐसा भी कुछ है जो अपन देख सकते हैं। ग्वालियर चिड़ियाघर 1922 में कायम किया गया था। यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नायाब जानवर पाए जाते हैं। ग्वालियर चिड़ियाघर लोगों और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए जंगली हयात को देखने और समझने के लिए एक बेहद
खास और पुरकशिश मकाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। अगली खबर बांग्लादेश से मुतालिक। बांग्लादेश इस वक्त सियासी अदम इस्तेकाम के दौर से गुजर रहा है। इस अदम इस्तेकाम के दरमियान बांग्लादेश के सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कल ढाका के बंग भवन में एक मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में उबूरी हुकूमत की तश्कील पर तबादला ख्याल किया गया। मीटिंग में तीनों मसले अफवाज के सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मीटिंग में रिजर्वेशन मुखालिफ तहरीक में मारे गए लोगों की याद में एक ताज़ियाती करारदाद भी पेश की गई। सदर मुमलिकत ने मीटिंग में मौजूद तमाम अफराद पर जोर दिया कि वो मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लें। लूट मार और पुरतशद्दुद सरगर्मियों को रोकने के लिए सख्त एक्शन लेने का भी फैसला किया गया। मजीद बना रिजर्वेशन मुखालिफ मुजाहरे के दौरान हिरासत में ले गए तमाम लोगों को रिहा करने का फैसला किया गया है। मीटिंग में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि किसी भी बिरादरी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। इससे कबल शेख हसीना के भारत रवाना होने के बाद बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मान ने उनके इस्तीफे की तस्दीक की थी। बांग्लादेश के फौजी तर्जुमान के दफ्तर के एक बयान के मुताबिक हालात को मामूल पर लाने के मकसद से स्कूल, कॉलेज और फैक्ट्रियां आज से खोल दी जाएंगी। आपको बता दें कि बांग्लादेश में पीर की रात से नाफिस कर्फ्यू मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे तक ही नाफिस था। यह फैसला सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की जेर सदारत एक हंगामी मीटिंग के बाद किया गया। और भारत ने पड़ोसी मुल्क में तशद्दुद के बाद पैदा होने वाले सियासी बुहरान पर गहरी नज़र बनाई हुई है। बांग्लादेश में ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायजा लेने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में सलामती उमूर की काबीना कमेटी की मीटिंग हुई। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बांग्लादेश की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया गया। इस मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर खारजा एस जयशंकर के अलावा वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन भी मौजूद थी। अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि बांग्लादेश की फ़ौज और सियासी हुकाम को वज़ीर आज़म शेख हसीना के इस्तीफ़े के बाद जमहूरियत की पुर अमन मुंतकली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। सबसे पहले जो खबर हम उर्दू अखबारात के जायजे में ले रहे हैं वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। अवामी दबाव और तशद्दुद के बाद बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना मुस्ताफी थोड़ा तैयारा गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस में। उसके बाद जो अगली खबर है वो इनकलाब से है और ये केजरीवाल से मुतालिक है। केजरीवाल को धचका, गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त मुस्तरद। किसानों को डिजिटल आईडी की तैयारी, जमीनों से जोड़ा जाएगा। चौथी खबर इनकलाब से और ये है कोचिंग सेंटर से मुतालिक। मरकज और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में नोटिस जारी किया है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ और ये कोचिंग सेंटर से मुतालिक है जिसमें मरकज और दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी किया गया है। बांग्लादेश के हालात पर काबीना कमेटी की मीटिंग, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस मीटिंग में शिरकत की। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। शेख हसीना हिंडन एयरफोर्स बेस पहुंची, अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। इसके बाद जो अगली खबर है वो है हमारे समाज से। जंग में अब तक 10,000 इसराइली हलाक और ज़ख्मी हो चुके हैं। उसके बाद की जो खबर है वो है बिहार से मुतालिक, जहां पर डीजे ट्रॉली हाई टेंशन तार की जद में आने से 9 कांवड़ियों की मौत हो गई है। और फाइनेंस बिल मंजूरी के बाद आ सकता है वक्फ तरमीमी बिल। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हुकूमत हर एक सेहत को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, जेपी नड्डा का बयान। और अगली खबर वज़ीर आज़म के यूक्रेन दौरे से मुतालिक, दौरे की तैयारियां जारी। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियां। अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। पेरिस ओलंपिक में भारत की मर्दों की हॉकी टीम का मुकाबला आज सेमीफाइनल में जर्मनी से होगा। भारतीय टीम इस मैच को जीत कर फाइनल में पहुंचने की कोशिश करेगी। ये मुकाबला भारतीय वक्त के मुताबिक रात 10:30 पर शुरू होगा। इससे पहले खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने ग्रेट ब्रिटेन को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी।
टोक्यो ओलंपिक में सोने का तमगा जीतने वाले नीरज चोपड़ा नेजा फेंक मुकाबले में क्वालिफिकेशन राउंड में खेलेंगे। नीरज चोपड़ा को क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी में रखा गया है। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:20 पर शुरू होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।